नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जर्मनी की सरकार ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित भारत, ब्रिटेन और पुर्तगाल समेत कई देशों के लोगों पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया है। जर्मनी की स्वास्थ्य एजेंसी ने सोमवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य एजेंसी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने कहा कि भारत, ब्रिटेन के अलावा 3 और देशों के नागरिकों पर लगी पाबंदी हटाई गई है। संस्थान ने कहा कि नेपाल, रूस को भी पाबंदी वाली सूची से हटाया गया है। इन्हें वायरस वेरिएंट कंट्रीज की जगह ज़्यादा मामले वाले देशों की सूची में रखा जाएगा। यूरोपीय संघ के ज़्यादातर देशों में भारतीयों की यात्रा पर पहले प्रतिबंध था, जो अब हट रहा है। पाबंदी हटाने का ये असर होगा कि जर्मनी के निवासी या नागरिक ना होने पर भी इन देशों के यात्री जर्मनी की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि उन्हें क्वारंटीन और टेस्टिंग के नियमों का पालन करना है। जर्मनी ने इससे पहले वायरस वेरिएंट कंट्री की पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से प्रभावित इन देशों के यात्रियों के जर्मनी में एंट्री पर रोक थी। लेकिन जर्मन स्वास्थ्य मंत्री जेंस पान ने पिछले हफ्ते कहा था कि डेल्टा वेरिएंट देश में तेजी से सक्रिय होता जा रहा है, लिहाजा इस वेरिएंट से ज़्यादा प्रभावित देशों के यात्रियों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। जर्मन स्वास्थ्य मंत्री जेंस पान ने कहा कि ज़्यादातर वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर पाई गई है, लिहाजा हम प्रतिबंध हटाने का फैसला कर रहे हैं। चांसलर एंजेला मार्केल ने भी शुक्रवार को लंदन यात्रा के दौरान संकेत दिया था कि जर्मनी डेल्टा वेरिएंट को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर सकता है। पिछले महीने मार्केल ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े पाबंदियों के साथ लंबे क्वारंटाइन पीरियड का ऐलान किया था, क्योंकि उस देश में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।